हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवीनाज लवली लाइफ। और आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि समर एसेंशियल है। और वो अगर आपके बैग में नहीं है इन समर्स, तो आपकी स्किन का तो भगवान ही मालिक है। और वो जो है वो सबसे पहले एक सनस्क्रीन है, और सनस्क्रीन भी कौन सी है, दिस, ये लोटस हर्बल की सेफ सन स्पोर्ट्स सुपर स्टे सन ब्लॉक है। पहले तो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको सनस्क्रीन के बारे में दे देती हूँ, बाद में इसका रिव्यू करेंगे। तो सन ब्लॉक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है समर्स में नहीं, मतलब कोई भी सीज़न हो, विंटर हो, स्प्रिंग हो, समर हो, आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे आप घर पे हो, चाहे आप आउटडोर हो, कहीं बाहर हो, कहीं भी हो, आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर मॉइस्चराइज़र आपको इसे लगाना होता है, और इसको स्किप करने का मतलब है आप अपनी स्किन केयर के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। सन ब्लॉक जो होता है वो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, और आपकी स्किन और बाहर की हार्मफुल जो भी चीज़ें होती हैं उसके बीच में एक लेयर बनाता है, एक बैरियर बनाता है, जिससे वो हार्मफुल चीज़ें आपको हार्म ना कर सकें। तो बात कर लेते हैं पर्टिकुलर इस सन ब्लॉक की। ये है लोटस हर्बल सेफ सन स्पोर्ट्स सुपर स्टे सन ब्लॉक। इसमें है कैलेंड्यूला चामोमिल एक्सट्रैक्ट, और ये है SPF 70 PA++++ और हाई UVA एंड UVB प्रोटेक्शन, वाटर एंड स्वेट प्रूफ, विच इज़ वेरी गुड। वाटर प्रूफ और स्वेट प्रूफ होना बहुत अच्छी बात है। एंटी पॉल्यूशन, प्रिजर्वेटिव फ्री और ऑल स्किन टाइप, सो सबके लिए ये सूट होगा। किसी भी कोई भी टाइप की स्किन हो, सब पे ये सूट होगा। इसकी जो MRP है वो है 625, शेल्फ लाइफ है 3 ईयर्स, और ये है प्रिजर्वेटिव फ्री, बिल्कुल लाइट वेट है, वाटरप्रूफ मैंने आपको बता ही दिया है ये, और इट प्रिवेंट्स द स्किन फ्रॉम सन टैन, ब्राउन स्पॉट्स, फ्रेकल्स एंड पिगमेंटेशन पे भी ये काम करता है। और ये मैन्युफैक्चर्ड बाय लोटस हर्बल कलर कॉस्मेटिक, और आपको 625 रुपीज़ में 80 ग्राम ये सनब्लॉक आता है। तो अब बात करते हैं इसके रिव्यू की कि ये सनब्लॉक है कैसी। तो पर्टिकुलर मे को ये बहुत अच्छी लगी है, मैं रोज़ इसे लगाती हूँ, और इवन अभी भी मैंने इसे अप्लाई कर रखा है। ये बिल्कुल भी ग्रिसी नहीं है, इसमें मतलब 70 SPF है, तो लगता है कि ये तो बहुत वाइट कर देगा, बहुत ही ऑयली सा फेस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं लगा है मुझे। और सेकेंड थिंग कि ये बहुत लाइट वेट है, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। मैं आपको इसको अप्लाई करके बता देती हूँ। तो फेस पे अप्लाई करने के लिए आपको एटलीस्ट क्वांटिटी जो लेनी है वो इतनी तो कम से कम लेनी है, इवन ज़्यादा ही ले लो, क्योंकि आपको इसकी थिक लेयर लगानी होती है, क्योंकि तभी ये काम करेगा। अगर आप सोचो कि बहुत ही पतली सी थोड़ी सी लेके और उसे ही स्प्रेड कर लिया बस हो गया काम, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको थिक लेयर लगानी होती है, तभी आपकी स्किन अच्छे से प्रोटेक्ट हो पाएगी। तो इतनी आपको क्वांटिटी लेनी है आपके फेस के लिए। अब उसको आपको, मैं आपको हैंड पे लगा के बताती हूँ, उस पर ऐसे आपको लगाना है। जब आप लगाएंगे तब आपको थोड़ा सा वाइट लगेगा, पर ये 1-2 सेकंड बाद अपने आप गायब हो जाएगा, लाइक सी। और इसको लगा के छोड़ देना है, एक थिक लेयर लगा के छोड़ देना है, ये अपने आप गायब हो जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जब आप इसको लगाने के बाद सन एक्सपोजर में जाते हैं तो आपको वेट करना होता है 15-20 मिनट्स का। तो जब भी आप अप्लाई करें सनब्लॉक, उसके 15-20 मिनट बाद ही आप बाहर निकलें, सी, बस ऐसे ही आपको छोड़ देना है, इतना लगा के छोड़ देना है आपको। ये अपने आप ही स्किन में अब्सॉर्ब हो जाएगी, और तभी आपके स्किन पे वर्क करेगी अच्छे से। सी कुछ ही सेकंड्स में ये कितने अच्छे से अब्सॉर्ब हो गई है, और इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही लाइट और बहुत ही रिफ्रेशिंग है। समर के अकॉर्डिंग तो आपको ऐसा लगेगा कि वाओ। तो आप इसे फेस पे अप्लाई कर सकते हैं, बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, जो भी आपका एक्सपोज हो रहा है बॉडी में, कोई सा भी पार्ट, अगर आप बाहर जा रहे हैं या घर पे हैं, तो आप इसे सब उस जगह लगा सकते हैं, और अपनी स्किन को, अपने बॉडी पार्ट्स को, मतलब उसकी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और आपको इसे रीअप्लाई करना रहता है, यस, कोई भी सनब्लॉक हो आपको उसको रीअप्लाई करना ही रहता है। मिनिमम 2-3 आवर्स है जिसमें आपको इसे अप्लाई करना चाहिए, तभी मतलब इसका जो वर्क है ये 2-3 आवर्स में ख़त्म हो जाएगा, आप दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये दोबारा से वर्क करेगी। तो मेरे को ये बहुत अच्छी लगी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। समर आने वाला है और सनब्लॉक लगाइए, मैं तो कहती हूँ हर
सीजन में लगाइए क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है और इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन सो व्हेनेवर आई विल अपलोड द वीडियो यू विल गेट द नोटिफिकेशन एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी स्टे सेफ बाय बाय थैंक यू.